सेनेट ने तौहीने पार्लियामेंट बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया है। तौहीने पार्लियामेंट बिल सेनेटर कोहदा बाबर ने पेश किया। बिल के मुताबिक पार्लियामेंट कमेटी और रुकन का इस्तेहकाक मजरू करने पर सजा और जुर्माना होगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रिहान शेख से। जी रिहान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए चेयरमैन सेनेट सातिक संगरानी की ज़ेर सदारत इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है। 53 नुकाती जो एजेंडा है उस पर अभी तक इजलास जो है वो चल रहा है और सेनेट ने अब जो है तौहीने पार्लियामेंट जो बिल है वो मंजूर किया है और ये बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। और इसमें तौहीने पार्लियामेंट का जो बिल है सेनेटर कोहदा बाबर ने पेश किया है और इस बिल के मुताबिक पार्लियामेंट में जो है पार्लियामेंट कमेटी और रुकन पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह करने वाले पर सजा और जुर्माना होगा। ये बिल चूंकि पहले कौमी असम्बली पहले इसको मंजूर कर चुकी है, इसके बाद ये सेनेट से भी मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। अब ये बिल सदर मुमलिकत के पास बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत होने के लिए जाएगा, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा और कानून बनने के बाद कोई भी पार्लियामेंट की कमेटी और रुकन पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह करने पर सजा और जुर्माना उसको आयद किया जाएगा। इस बिल को अब सदर मुमलिकत के पास भेजा जाएगा दस्तखत करने के लिए। सेनेट ने तौहीने पार्लियामेंट बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया है। रिहान शेख अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।